We have already studied factor theorem in previous part. Now we'll do the related questions of exercise 2.4, that is question number 1, 2 and 3. So let's start. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. We are given 4 parts in this question. Har part mein hume determine karna hai ki x plus 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. फर्स्ट स्टेप इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल माइनस 1. पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब हम x की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे इन दिस वे. What we'll get? Minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 and plus 1. Minus 1 cube is minus 1. Minus 1 ka square is plus 1. Minus 1 and plus 1. Hum plus ek saath kar lenge. Plus 1 plus 1 plus 2 and minus 1 minus 1 minus 2 which is equals to 0. Jab humne polynomial mein x की वैल्यू रखी तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई. सो वी कैन राइट यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन दिस वे. वील सी नेक्स्ट पार्ट नाउ. x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. वील डू द सेम. फर्स्ट स्टेप इज x प्लस 1 जो हमें गिवन था ये फैक्टर पे चेक करना है हमें. इंप्लाइज x इक्वल माइनस 1 px इस क्वेश्चन में दैट इज चेंज्ड हियर द पॉलिनोमियल इज x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इन प्लेस ऑफ x विल पुट हियर माइनस 1 माइनस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1. माइनस 1 रेज टू द पावर 4 जब पावर हमारी इवन नंबर है इट विल बी 1. हियर पावर इज ऑड नंबर माइनस 1. देन माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1 देन माइनस 1 एंड देन प्लस 1. अब हम प्लस एक साथ लिख लेंगे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज प्लस 3 माइनस 2. व्हाट वी विल गेट? 1. हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हमने माइनस वन रखा एक्स की जगह वन है इट इज नॉट जीरो. सो वी विल राइट हियर नो एक्स प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स. नाउ वील सी थर्ड पार्ट. वील डू द सेम थिंग. एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू हमें मिल गई थी माइनस 1. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे. व्हाट वी विल गेट? माइनस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1. Here power is an even number, so plus 1. Minus 1 cube is minus 3. Minus 1 cube is minus 1 and when it will be multiplied by 3, we'll get minus 3 here. Minus 1 square is 1. 3 into 1, 3 minus 1 plus 1. This is positive and this is. So 3 plus 1 plus 1, 5. Minus minus 3 and minus 1, that is minus 4. Which is equals to 1. No, x plus 1 is not factor of px here. Now we'll see the fourth part. X plus 1 pe check karna hai yahan pe bhi. Implies x ki value minus 1. We are given the polynomial x cube माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2. हियर इट इज एक्स
नाउ अब हम x की जगह -1 पुट करेंगे, -1³ माइनस -1² -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1³ इज -1, माइनस -1² इज +1, प्लस माइनस माइनस माइनस, हेयर इट इज -1 इंटू -1 हेयर अगेन, माइनस माइनस इज प्लस, सो वी आर हैविंग 2 प्लस √2 इन ब्रैकेट, हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस √2, वील गेट हेयर -2, वील ओपन द ब्रैकेट, प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, -2 प्लस 2 दैट इज 0, वॉट इज लेफ्ट है √2 प्लस √2 विच इज इक्वल्स टू 2√2, सो हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉलिनॉमियल्स थे, उसमें से सिर्फ फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 इसका फैक्टर निकला, एंड इन रिमेनिंग 3 पार्ट्स इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स। वील सी सेकेंड क्वेश्चन नाउ। अगेन वी हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स, इन ईच क्वेश्चन वी आर गिवन अ जी एक्स एंड अ पी एक्स, टू पॉलिनॉमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें चेक करना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। सो वी विल चेक, जी एक्स इक्वल्स टू 0 रख देंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हमें मिल गई -1। वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था चेक करने के लिए, 2x³ प्लस x² -2x -1 इज द पॉलिनॉमियल। हम अब x की जगह -1 पुट कर देंगे, व्हाट वील गेट 2 इंटू -1³ प्लस -1² -2 इंटू -1 -1। -1 का क्यूब इज -1, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 विल कम हेयर बिकॉज -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस प्लस प्लस, -2 इंटू -1 दैट इज +2 एंड -1। अब हम ऐड एक साथ कर लेंगे, +2 एंड +1 इज +3, -2 एंड -1 इज -3, वी विल गेट आवर आंसर 0। जब हमने इस फैक्टर को चेक किया इस पॉलिनॉमियल पे, हमारा आंसर 0 आ गया, सो वी कैन राइट है यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दिस क्वेश्चन। नाउ वील चेक द सेकेंड पार्ट, जी एक्स हेयर इज एक्स प्लस 2, सो वील पुट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इन दिस वे वील गेट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज -2। इन दिस पार्ट वी आर गिवन पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम x की जगह -2 पुट करेंगे, -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, वील गेट हियर -2³ इज इक्वल्स टू -8। 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी ऑड नंबर है, माइनस विल कम हियर, प्लस 3 इंटू -2² विच इज इक्वल्स टू 4, -3 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1, विल सॉल्व इट, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, एडिशन पार्ट फर्स्ट, 12 प्लस 1 13, -8 -6 मीन्स -14, विल गेट -1 फ्रॉम हेयर, सो वी कैन राइट, हमारा आंसर 0 नहीं आया, नो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दिस वे। Now we'll see the third part. Px is equals to this and gx is x minus 3. X minus 3 will be equals to 0, implies we'll get value of x equals to 3. In this part we are given polynomial x³
माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6. विल रिप्लेस x बाय 3. विल गेट हियर 3³ माइनस 4 × 3² प्लस 3 प्लस 6. 3³ इज 27 माइनस 4 × 3² इज 9 प्लस 3 प्लस 6 9. 27 माइनस 36 प्लस 9. 27 एंड 9 को हम ऐड कर लेंगे. 36 माइनस 36 विल गेट 0. हमारा सॉल्व करने के बाद 0 आंसर आ गया. सो वी कैन से यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px. Now we'll see the third question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. We'll see different parts in this question. Usme hame given hai x minus 1 factor hai px ka. Isme hame check nahi karna hai. Agar ye factor hai px ka to hame k ki value find out karni hai. It is a very easy question. X minus 1 equals to 0 jaise hum put karte the implies x इक्वल 1. उसके बाद हम हमेशा क्या करते थे, जब हमें चेक करना होता था हम p1 निकालते थे और अगर वो 0 आ गया तो वो फैक्टर है. बट इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये फैक्टर है तो हम डायरेक्टली px तो हमें क्या गिवन है x² प्लस x प्लस k, इसमें हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं p1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज हमें पता है जब हम 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे x में तो हमारा आंसर 0 आएगा. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो p1 हम कैसे लिख लेंगे, x की जगह 1 लिख देंगे. 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0. 1² प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2. 2 प्लस k इक्वल्स टू 0. k इक्वल्स टू माइनस 2. इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द हिडन कॉन्स्टेंट इन अ क्वेश्चन. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. px इज इक्वल्स टू 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2. एक्स माइनस 1 वॉज अ फैक्टर. एक्स इक्वल्स टू 1. पी एक्स इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2. p1 इक्वल्स टू 0. हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं ये बात, सिंस एक्स माइनस 1 is a factor of px in this way. You can give a reason. अब x की जगह हम 1 put करेंगे. 2 × 1² plus k into 1 plus root 2 equals to 0. 1 square is 1. 2 plus k plus root 2 equals 0. अब हमें k की value निकालेंगे तो k को हम इस side रखेंगे, बाकी को हम दूसरी side लिख देंगे. प्लस का रूट 2 है तो इधर जाके माइनस का रूट 2, प्लस का 2 है तो माइनस का 2. वी कैन टेक माइनस एज कॉमन. व्हाट विल गेट इनसाइड, रूट 2 प्लस 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन दिस पार्ट. विल सी नेक्स्ट पार्ट. px इज इक्वल्स टू kx² माइनस रूट 2x प्लस 1. x माइनस 1 इज अ फैक्टर. हम उसे इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई. px in this question is given kx² minus root 2x plus 1. p1 will be equals to 0 since x minus 1 is a factor of px. k into 1² माइनस रूट 2 × 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. के इंटू 1² इज के. रूट 2 × 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब के इधर तरफ रखे हम, बाकी कॉन्स्टेंट दूसरी साइड लिखेंगे. माइनस रूट 2 विल चेंज इंटू प्लस रूट 2 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 1. सो विल गेट द वैल्यू फॉर के.
Let's see the last part. Px equals to kx square minus 3x plus k. We are given x minus 1 is a factor. X equal 1. Px in this question is kx square minus 3x plus k. P1 will be equals to 0 since x minus 1 is a factor of Px. K into 1 square minus 3 into 1 plus k equals to 0. K into 1 square is k minus 3 into 1 minus 3 plus k equals to 0. Plus k 2k minus 3 equals to 0. Minus ka 3 hai. Right hand side pe plus 3. K equals to 3 upon 2 is the answer. So in this way, these questions are done. If you have any doubt in any of the part, you can comment in comment section. Thank you.